गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नए साल का दूसरा दिन आज। दूसरा दिन? यस। आज दो, हाँ मतलब हम अब तो लेट देख रहे हैं वीडियो, बट आज 2 जनवरी है और हमारा यहाँ पर आज तीसरा दिन है, मतलब यहाँ का एंड साउंड में। और आज हम लोग यहाँ कुछ देर बिताएंगे, फिर निकल जाएंगे हम लोग, फिर कुछ चुनावी काम करेंगे। तो अभी हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, अभी 9 बजे हैं और चाय पी के हम लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। और अभी हम यहाँ नदी में जा रहे हैं, जो सिलघाट नदी है वहाँ पर जा रहे हैं। मज़ा आया अजरा? कैमरा ढक दिया। तो अजरा और मैं जा रहे हैं नीचे, लक्ष्मण भाग गया नीचे, मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ क्योंकि मेरा पैर दर्द करता है। चलो मजा आया। हाँ अभी तो नीचे तो सीढ़ियाँ खत्म हैं। ओह ये देखिए और ये ऐसी नदी है कि ये खतरनाक नहीं है, मतलब आप यहाँ पे जो है बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। हालांकि जलजले में जलजला जो भी होता है उसमें जब मलबा आएगा तो दिक्कत होती है। आप पाम को छोड़ के आ गए? नहीं मैं छोड़ के नहीं आया, और मैंने सोचा कि आगे आगे चल करके देख लूं कैसा माहौल है क्या है। ओबीसी आगे जाके दलितों के लिए रास्ता साफ कर रहा था, रास्ता साफ कर रहा था, बना रहा था। सब साथ में ये बने बने रास्ते में भाग के आए हैं। किसी पुरखे ने रास्ता बनाया रहा होगा। मजा आ रहा है, बहुत खूबसूरत जगह। हम 10 बजे निकलने वाले हैं और 9 बज गए हमको यहाँ, बस निकल ही पा रहे हैं। चलो यार लेट हो गया घर, चलो भाई निकलना भी है। लक्ष्मण और अजरा आगे चले गए दूसरे रास्ते से और मैं यहाँ पर हूँ। ये हाँ मेरा वीडियो बना रहे आते हुए, मैं आपका बना रहा हूँ। बताओ कौन कौन सी फसल है? ये गोभी है, ये गोभी है, ये मटर के दो कुछ पेड़ हैं, पौधे, लहसुन है, लहसुन नहीं है, प्याज है। लहसुन लग रहा है मुझे, नहीं प्याज है। प्याज है? हाँ लहसुन के पत्ते चौड़े होते हैं। नहीं ऐसे ही तो होते हैं, प्याज के पत्ते गोल होते हैं। चलिए मैं बाहर आपको दिखाता हूँ। ये वो बता रहा था फूल है। हाँ ये तो कह रहा फूल, लेकिन मुझे लग रहा है ये गाजर है। गाजर की ऐसे ना बोती, वो उसकी डोली बना कर बोना पड़ता है, जैसे ये रखी ना गाजर को जगह चाहिए ना नीचे बढ़ने के लिए। नहीं नहीं वो हो जाता है, नहीं होता। अगर मोटा बहुत करना है तो आप दूर दूर बोएंगे। ये मूली है, ये मूली है, और ये सब गोभी है, उधर बैगन है, वो धूप ओस कीड़े सबसे जितना इन्हें चाहिए उतना ही मिले। हाँ ऑर्गेनिक खेती में भी बनाते हैं ऐसे ऐसे ना। हाँ ये हालांकि नए तरीके हैं कृषि के, और मोदी कह रहे थे ना कि इस तरह के तरीके से खा के 2022 में नई इनकम दुगनी कर देंगे, दुगनी कर देंगे। तो अभी तो 2022 आ गया। तो ये लैंसडाउन की आखिरी चाय है और अभी करीब 12 बज गए हैं दोपहर के, हम लोग निकल रहे हैं वापस। उठाओ भाई सामान सब। नजीबाबाद से आगे आ गए हैं, कीरतपुर में, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है। और मैं जब भी कुछ बोलता हूँ ना ये ट्रक जो है ना ये ऐसे ऐसे आवाजें निकालने लगता है। अब आगे और सफर बाकी बाकी है।
स्टैंडर्ड का खाना खाए ना बढ़िया, उसमें डेढ़ दो हजार का एक टाइम पे आप लोगों को बहुत पैसा होता है ना खाने, मतलब आप जा ही कभी कभी रहे हो, कभी कभी आप ज्यादा खर्च करते हो इसलिए कभी कभी जाते हो आप हर महीने अभी हर महीने गाड़ी वाड़ी लेके तो चले। अरे गाड़ी की जरूरत थोड़ी ही घूमने में, आप मनाली जाओगे वोल्वो से जाओ, मन होना चाहिए, उतनी दूर अपनी गाड़ी लेके जाना भी नहीं चाहिए भाई साहब। इतना मेरा अपनी मन नहीं करता पहाड़ों में जाने का, कहीं भी जाओ राजस्थान जाओ आप दरअसल घूमते ही नहीं। मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, बहुत शानदार कविता है। गोद में आ गया वो, दूसरा कोई ना ये गोला तो जा रहा है, ये सारे खा जाएंगे उसके चारा देखो ना देखो खा ये इधर आया उधर खा के। ये देखो कितने छोटे छोटे से हैं, ये बिल्कुल बहुत ही छोटे हैं यार, देख गोल गोल से हो रखे हैं इनके मुंह। जलेबी खाएंगे? हाँ थोड़ा सोच रहे हैं, ये देसी जलेबी है, ये जिला मुजफ्फरनगर बिजनौर, मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर की जलेबी खा के बताइए कैसी है। जय भीम भाई, जय भीम। तो अभी 9 बजे हम लोग घर पहुंचे हैं और काफ़ी थक गए हैं, अभी नहाएंगे फिर कुछ खाना वाना खाएंगे सो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये लैंसडाउन ट्रिप अच्छी लगी होगी और इसमें डॉक्टर लक्ष्मण यादव की कविताओं की एक सीरीज़ हम लोगों ने शूट की है अलग अलग लोकेशन पे, वो आपको न्यूज़वीक पे मिलेंगी और कुछ चुनावी स्टोरीज हैं वो भी आपको मिलेंगी। कैसे लगे वीडियो उसके बारे में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों, बाय बाय।